क्या भाई लोग, इस शहर से सभी काम करने वालों को चलता किया कि नहीं किया? थुरपुरी नगर के सारे कामगार लोगों को शहर से टाटा बाबा करवा दिया हमने। किसी को प्यार से तो किसी को मारधार से, सबको भगा दिया। कई लोग हमारे साथ मिल गए हैं। अब इस शहर के सब काम हम करेंगे, कार साफ करने से लेकर बस स्टैंड में सामान उठाने तक, और डबल ट्रिपल दाम लेंगे। लेकिन चलता भाई, लोगों को इससे बहुत तकलीफ होगी और वो गुस्सा भी करेंगे। अरे चलता भाई को किसी से नहीं है लगन, मैं तो हूँ बस अपने आप में मगन। जब जब काम करने वाले अपने ही होंगे तो जो रेट हम मांगेंगे उन्हें देना ही होगा। ओके चलता भैया, मैं सबके एरियास बांट देता हूँ, कौन कहाँ काम करेगा, ठीक है? एक जमाना था जब एक इंसान दूसरे इंसान का सहारा हुआ करता था, पर आज तो लोग एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनकी मदद की कीमत मांगते हैं। अगर अच्छा इंसान बनना है तो दूसरों की निशुल्क मदद करो, मुझे विश्वास है आप जरूर एक। यस यस पतलो, आज से मैं भी बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, हर जरूरतमंद की निशुल्क मदद करूंगा। आओ मेरे साथ आओ। बॉक्सर भैया, ये लड़का कौन है, पहली बार देखा है। अरे ये अरे मेरी कार गंदी हो गई थी, इसलिए इसे 200 रुपए देकर पूरी कार साफ करवा रहा हूँ। अगर आप हमें कह देते तो हम कर देते, वो भी फ्री में। ओए नेकी और पोछ पोछ, चलो मोटू हो जाओ शुरू, चमका दो मेरी गड्डी। लेकिन आपने मुझसे पहले बात की है। ओए जब फ्री में काम हो रहा है तो मैं तुझे 200 रुपए क्यों दूं? चल निकल जा वरना 200 पंचेस दूंगा, निकल। कर लो जितनी कार की धुलाई करनी है, बाद में चलता भाई से ऐसी धुलाई करवाऊंगा कि याद रखोगे। अरे हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, तुम कार दो। पतलो, मैं दूसरी तरफ से कार को क्लीन करता हूँ, काम जल्दी निपट जाएगा। ओके। ओ रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। ओए हटो। मुझे कौन घुमाएगा? बॉक्सर भैया गुस्सा मत हो, गड्डी चमक गई है। मारने के पहले निकल लिए। तुम लोगों ने तो लूट मचा रखी है, जरा सा सामान उठाने का 100 रुपया मांग रहे हो। देखिए अंकल, 100 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, अगर उठाना है तो बोलिए, नहीं तो खुद उठाके निकल लीजिए। ऐसे कैसे बात कर रहे हो, थोड़ा मेरी उम्र का लिहाज करो। भैया तुम चलोगे? चलूंगा अंकल, पर 100 रुपए होंगे कह दे रहे हैं। अरे बड़े भैया, अंकल का एक ही तो बैग है, उसके लिए तुम पूरे 100 रुपए लोगे? सच में लूट मचा रखी है। हाँ अंकल, आप अपना बैग मुझे दे दीजिए, मैं पहुँचा देता हूँ, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। अरे इंसान ही तो इंसान के काम आता है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे भैया हमारा भी सामान उठा दो। अरे मेरा भी उठा दो। अरे मेरा भी उठा लो बेटा। क्यों नहीं। आ, 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 आ,
इन दोनों मोटू पतलू की फ्री सेवा चलती रही तो हम मेवा कैसे खाएंगे? मेरा भी 200 रुपए का नुकसान कर दिया। चलता भाई को फुनवा करके बताओ, वही बताएंगे अब क्या करना है। हेलो चलता भाई, मोटू पतलू नाम के दो आदमी हमारे धंधे पर अपने फ्री ऑफर की गाड़ी चला रहे हैं। ओहो शांत हो जा, शांत हो जा। गुस्सा सेहत और धंधे दोनों के लिए नुकसानदायक होता है, समझा क्या? हम उन्हें आराम से सबक सिखाएंगे, समझा ना? लोगों की मदद करने में कितना सुकून मिलता है। सब कितना खुशी खुशी हमें दुआएं देते हुए गए हैं। मोटू दुआएं तो हमें मिल गई, पर लगता है अब हमें कुछ और भी मिलने वाला है। आइए आइए मोटू पतलू जी, आपके इस नेक काम के लिए हम सब आपका स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। ओ दोस्तों, हमारे साथ हैं मोटू पतलू जी, जिनके बारे में सब जानते ही हैं, है ना भाई लोग? चलो सब मिलकर इनका स्वागत करते हैं। बड़े भैया ये कैसा सम्मान है? मोटू भागो, यहाँ पर अपना सम्मान नहीं बल्कि घमासान होने वाला है। हो गया, घसीटे मेरे पाए। मेरे यार ये देखो मेरा नया इन्वेंशन, इस स्पेसशिप को बनाने में मेरे बरसों की मेहनत लग गई है यारी। मेरा ये स्पेसशिप जब स्पेस में जाएगा तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन भेजेगा जिस इंफॉर्मेशन के बारे में कोई भी साइंटिस्ट आज तक जान नहीं पाया है यारी। बड़े भैया बचाओ। मार सुनिया पापड़ वाले नू, मेरे स्पेसशिप का कचरा कर दिया, बेकार कर दिया। वो अब तो मैं मोटू पतलू को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा यार। डॉक्टर झटका, हमारा 20 साल का तजुर्बा बोलता है कि मोटू पतलू के तुम्हारे आसपास रहते हुए तुम्हारा फेमस होने का सपना सपना ही रहेगा। चलो यार। बड़े भैया जल्दी से फ्लाइंग कार को नीचे लाओ और हमें बचाओ। मोटू पतलू मेरे यार, मेरे भाई, तुम दोनों ने मेरे इन्वेंशन का कचरा कर दिया और अब कहते हो हमें बचाओ। ठेले वाले कुछ अंडे टमाटर मुझे भी दे दो यार, हमें भी मोटू पतलू को मारने हैं। बचाओ बड़े भैया बचाओ। चिंगम सर, मोटू पतलू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ओए मोटू मेरे पाए मेरे यार, आज मैं तुम दोनों से अपने हर नुकसान का बदला लूंगा यार। बड़े भैया हमें माफ कर दो, पर हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हाँ डॉक्टर झटका, मोटू सही कह रहा है, मोटू तो लोगों की मदद, उसके बाद से कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मोटू मेरे पाए मेरे यार, यही मासूमियत मुझे हर बार पिघला देती है यारी। चलो माफ किया। पर चलता भाई माफ नहीं करने वाला। बड़े भैया मैं तो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था, तुम खामोखा हमारे पीछे पड़े हो, फिर भी मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। ओए सॉरी से चलता का काम नहीं बनता। अरे फुरफुरी नगर के कामगारों को यहाँ से चलता करके हमारा खुद धंधा करने का प्लान था और तुम दोनों अपनी मदद का पिटारा खोल के बैठ गए। तो तुम लोग चलता गैंग हो। द नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम एंड साप। खुद को कानून के हवाले कर दो। मोटू पतलू मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मोटू अब तो चिंगम सर ने भी चलता भाई को चलता करने के लिए परमिशन दे दी है। लो समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। चलता भाई आ जाओ, जरा देखे तो किसका काम बनता है और किसका काम बिगड़ता है। स्टॉप।
ऑटो। अब मैं और अंडे टमाटर नहीं खा सकता। बहुत हुआ, चलना चलाना, अभी इनको करता हूँ जेल की तरफ रवाना। अरे भागते कहाँ जाओगे? रुको! सॉरी सॉरी, अब मुझको जाने दो। चलता भाई, यू आर अंडर अरेस्ट। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। Thank you.